डिसलाइक मार के निकल जाओ जब से बिल्कुल चैनल पे वीडियो आपको अच्छा ना लगे तो। ठीक है, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 45 फीट और 24 फीट में देखिए, सॉरी हाँ 24 फीट और 45 फीट में देखिए, 45 नहीं 24 फीट और 45 फीट में देखेंगे, जहाँ पे आपका काफ़ी अच्छा खासा ये हाउस प्लान है 3 बेडरूम का। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे है 24 फीट और 45 फीट बोले ना। तो अगर हम टोटल स्क्वायर फीट की हम अगर बात करें, क्लियर, तो कितना है 24 फीट और यहाँ पे है 45 फीट, जो कि आपका 1080 स्क्वायर फीट हो रहा है। 1080 स्क्वायर फीट, 1080 स्क्वायर फीट, SQFT, ये हम शॉर्टकट लिखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है आपका 24 फीट ये वाला पोर्शन आपका आ रहा है और ये वाला आपका 45 फीट 45 फीट आ रहा है। क्लियर? तो हम आगे देख रहे हैं अब, जैसे कि मेरा यहाँ पे सबसे पहले मैं इधर से रास्ता लिया हूँ, ठीक है ना। आपको लग रहा हो कि यहाँ से रास्ता है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे रास्ता है, आपको एक एक करके हम समझा रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? तो सबसे पहले हम बात करें तो ये आपका विंडो मैंने ले लिया है, ये सब जितना है आपका मैंने विंडो प्रोवाइड कर दिया है ये सब। और उसके बाद हम आपका रूम बतलाए तो यहाँ पे आपका एक बेडरूम रहा, क्या यहाँ पे एक बेडरूम रहा, उसके बाद दूसरा बेडरूम मेरा यहाँ पे रहा। सबका अभी हम कैलकुलेशन एक एक करके बतला रहे हैं। उसके बाद मेरा यहाँ पे जो रहा, ये मैंने बेडरूम के साइड में एक किचन प्रोवाइड कर लिया है और इधर मेरा एक टॉयलेट प्रोवाइड कर दिया है, इधर WC बालकोनी हो गया है। और यहाँ की हम बात करें तो एक रूम हो गया है, 3 बेडरूम बोला है ना, तो ये एक बेडरूम हो गया है। क्लियर? यहाँ पे एक पूजा रूम हो गया है यहाँ पर। और उसके बाद अगर हम बात करें और ज़्यादा, तो यहाँ से मैंने रूम से एक ओपन जगह, जिसको आप बालकोनी भी बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे ओपन मैंने कर दिया है बिल्कुल, कि आपके यहाँ से वॉल उठेगा, यहाँ पे आप जाके बालकोनी में घूम सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक WC हो गया है। क्लियर? और इसमें कुछ चाहिए तो इसमें और कुछ आपको लगे कि मॉडिफाई करवाना है तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं मॉडिफाई करके इसको दे देगा। तो हम इस पर आप कैलकुलेशन पर डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा बालकोनी, इस बालकोनी का साइज़ क्या ले और इसका साइज क्या ले, आपके ऊपर बोलो। जैसे चलो हम अपने मन से ही बतला रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 14x10 का ये बेडरूम लिया है, 14x10 का। क्लियर? 14x10 का है। पहला वाला जो लेते हैं वो आपका विड्थ होता है, मतलब कि चौड़ाई होता है, दूसरा वाला आपका लंबाई होता है। समझ में आ गया? अब हम बात करें यहाँ पे, अब इस बेडरूम की बात करें तो यहाँ पे 10 और 12 का है, 10 और 12 का है, 10 12 मतलब कि यहाँ पे ऐसे 10 होगा ऐसे 12 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे भी आपका यहाँ पे आ जा रहा है 10 और क्या आएगा यहाँ पे, ये जो साइज 4, 10 4 का, ये पूरा आपका ओपन स्पेस हो गया है। क्लियर यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट पे जाए तो ये सब आपका डोर हो गया, इधर जाने आने का ये सब आपका डोर। समझ में आ रहा है ना आपको? गेट यहाँ पे पता चल गया होगा कैसे कैसे गेट है, ये भी आपका डोर है, डबल डोर है इसमें पूजा रूम में। अब हम बात करेंगे किचन का, जहाँ पे 10 और 7 का मैंने किचन लिया है, 10 और 7 का मैंने किचन ले रखा है। उसके बाद लोबी की हम बात करें तो 14 और 10 का मैंने लोबी लिया है, लोबी को थोड़ा बड़ा होना चाहिए तभी तो लोग यहाँ पे बैठ के कुछ कर सकते हैं, डाइनिंग भी उसमें कर सकते हैं, ठीक है, डिनर वगैरह जो भी कुछ है। तो यहाँ पे लोबी का जो साइज है यहाँ पे मैंने 14 फीट और लिया 10 फीट। क्लियर? पूजा रूम की अगर बात करें तो 10 फीट और 4 फीट का मैंने पूजा रूम लिया है, तो 10 और 4 का लिया है, सॉरी 4 का लिया है पूजा रूम। उसके बाद हम स्टेयर की बात करें तो यहाँ पे जो विड्थ है 7 का लिया है। क्लियर? 7 फीट का विड्थ लिया है। उसके बाद टॉयलेट की अगर हम बात करें तो 9x4 का लिया है, 9x4 का टॉयलेट हो गया है। बेडरूम की हम बात करें तो 14x10 का बेडरूम लिया है, 14x10। क्लियर?
और इसमें और कोई अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ से मॉडिफाई करवाना है तो आप मेरे को कमेंट करो या फिर मेरा व्हाट्सएप पे नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप नंबर जो कि आपका अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, जहाँ पे ये मेरे अनुसार है, ये मैं अपना मन से बनाया हूँ, ठीक है। जो कमेंट वगैरह आया उससे आपको जो आपके अनुसार जो बनेगा, जैसे आप बोलोगे वैसे बनेगा हाउस प्लान, तो उसके लिए आपको कुछ पैसा पेमेंट करना होगा, तो वो आपके अनुसार बनेगा। तो आप देख लो कौन सा आपको सुविधा लगे ज़्यादा अच्छा, तो ये मेरे अनुसार रहा, वो आपके अनुसार बनेगा, तो दोनों में थोड़ा तो अंतर होगा ही ना, डिफरेंस होगा ही, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो इसीलिए जो अच्छा लगे आप कीजिए। अगर अच्छा लगा ये हाउस प्लान, आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लगा कि ऐसा करना चाहिए, तो आप ऐसे कर सकते हो, तो अच्छा खासा यहाँ पे आपका बन जाएगा ये हॉल वगैरह सब, क्लियर ना। और यहाँ पे कुछ मॉडिफाई करने का मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो आप मॉडिफाई भी नहीं कर सकते यहाँ पे। हाँ, गेट के बाद रहा, तो यहाँ पे आपका गेट है, इस टाइप से आप अंदर जाओगे और यहाँ से सीढ़ी ऐसे आपका आएगा, ऐसे जाएगा, क्लियर ना। और यहाँ पे मैं इस बेडरूम का डोर इधर से दिया, और हाँ एक डोर सॉरी यहाँ पे इधर से भी दे सकते हो आप, क्लियर, दोनों डोर हो गया आपका। और कहीं पे कोई कुछ लग नहीं रहा कि मॉडिफाई करनी है। यहाँ पे आप बालकोनी दे सकते हो, जो कि जिसका रास्ता हम इधर से ले सकेंगे, ठीक है ना, इधर से हम आपका रास्ता रहेगा, गेट इधर से खुलेगा, क्लियर, देख लो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा हो तो क्या करना है, एक लाइक कर देनी है, बस इतना ही। ये भी की तरह मांगता है सब यूट्यूबर, अब मैं भी मांगता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।